हरे कृष्णा पद्म पुराण में कहा गया है, एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं जगत कल्याण के लिए, हे प्रभु अपने सनातन धर्म में अनेकों ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, वेद हैं, तो कौन से वेद को कौन से ग्रंथ को पढ़ा जाए, और अनेकों देवता हैं और अनेकों भगवान हैं, किसकी पूजा की जाए और कौन से मंत्र का जाप किया जाए। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्मापैक्यम तस्य देवस्य सेवा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र जिसको हमको पढ़ना चाहिए, वो देवकी पुत्र का गीत भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही देवता हैं, एक ही भगवान है जिनकी पूजा करना चाहिए हमें, वह है भगवान श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र से नमान यानी तस्य देवस्य सेवा, और एक ही भगवान का नाम है जिनका जप करना चाहिए, उसी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, और एक ही भगवान है जिनकी सेवा करना चाहिए, कर्मापैक्यम तस्य देवस्य सेवा, उसी भगवान श्री कृष्ण की हमें सेवा करना चाहिए जो सर्वोपरि है, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं का सारे जीवों का पूजा अपने आप हो जाता है और सब लोग स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। और एक ही ग्रंथ है जो भगवद गीता जो हमें पढ़ना चाहिए, और एक ही मंत्र जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जब कलयुग में बताया गया है। हरि बोल।